हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं? आज मैं आपको बताना चाहूँगी टिमोफे क्लेवाकिन के बारे में, जो कि एक 11 साल रूसी बच्चा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नई अच्छी दिलचस्प वीडियो देखने को मिल सके। टिमोफे क्लेवाकिन डेडलिफ्टिंग में 100 किलोग्राम वजन उठा सकता है, जिसमें खुद वेट लिफ्टर भी हैरान है। टिमोफे क्लेवाकिन नामी लड़का 11 साल की उम्र में 100 किलोग्राम वजन एक हद तक उठा सकता है और वो 105 किलोग्राम वजन का रिकॉर्ड बनाना चाहता है। अगरचे 11 साल के बच्चे तालीम, वीडियो गेम्स और खेल कूद के शौकीन होते हैं, लेकिन इसी उम्र का रूसी लड़का टिमोफे क्लेवाकिन ज्यादातर वक्त जिम में गुजारता है और वजन उठाने के लिए नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ है। टिमोफे 5 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग के इश्क में गिरफ्तार हुआ। इसके वालिद ने गांव में छोटा सा जिमनाजियम बना रखा था और वो खुद भी वजन उठाते रहे। अपने वालिद को देखकर नन्हे टिमोफे में भी इस फन का शौक चढ़ आया और वालदा की मुखालफत के बावजूद छोटी उम्र में उसने वजन उठाना शुरू कर दिया। इसका गांव शायला औरल पहाड़ों के दामन में वाकया है। सिर्फ 6 वर्ष की उम्र में इसने एक मुकाबले में 55 किलो वजन उठाकर शुरुआत को हैरान कर दिया। अब 11 वर्ष की उम्र में वो 100 किलो डेड लिफ्टिंग कर चुका है, जिसके बाद वो मजीद मेहनत करके 105 किलोग्राम वजन उठाकर एक नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। मौसम सरमा के एशियाई कप में टिमोफे ने 100 किलोग्राम बारबेल वजन उठाया, जबकि खुद इसका वजन 38 किलोग्राम था। वो अपनी कुव्वत से ट्रक के टायर उलटने पलटने और ट्रैक्टर खींचने की तरबियत भी हासिल कर रहा है। इस मेहनत को देखकर लोग हैरान हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसे पूरे गांव में एक हीरो का दर्जा भी हासिल है और वो अपने से बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा वजन उठाने लगा है। यहां तक कि जिम में मौजूद कई वेट लिफ्टर इस बच्चे को देख कर हैरान है। हफ्ते में 3 मरतबा जिम में सख्त मेहनत करने के साथ साथ वो मिठास से दूर है और सेहत को मुतासिर करने वाले गिजाओं से भी दूर रहता है।